शुरू करो। ठीक है, बाबा बाबा मैंने लीला को हरा दिया। लीला, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई, तू है भी तो लीला से बड़ी। दीदी पूरनमासी तक देख लेना, पानी पिला दूंगी तुमको। हाँ लीला, इस जन्म में तो नहीं हो सकता। अरे हाथ कंगन को आरती क्या, पूरनमासी कौन सी दूर है, देख लेना। आप अब दूसरा पहचान शुरू करें। बेटा जीते रहो। ये क्या गुरुजी, अगर लड़कियों ने डंडे उठा लिए तो मर्द कहाँ जाएंगे? नीला को अखाड़े का पहलवान बनाना है क्या? बेटा राजू, आजकल के नौजवान दिन ब दिन सुकड़ते जा रहे हैं, मैंने सोचा लड़कियों को ही मजबूत बना दूं। गुरुजी मैं आपका सबसे पहला शिष्य हूँ, कम से कम मेरे होते हुए तो मर्दों की लाज रखिए। अगर आप यहाँ हो तो नीला से दो दो हाथ कर लो। अब मजा आएगा बाबा, इन दोनों में से जिसकी हार हो उसको जीतने वाले से शादी करनी। राजा तेरा क्या मुकाबला है, अरे मेरे बाद इस हुनर का नाम जिंदा रखने वाला तू ही है, मुझे तुझ पर नाज है, नाज। वो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि ये हाँ, वो मैं शहर जा रहा हूँ, बोल तेरे लिए क्या ले जाऊँ। मेरे पास तो सब कुछ है, हाँ इसके लिए जरूर लेते आना। अच्छा इसी के लिए लाऊंगा। अरे जा कहाँ रहे हो, पहले जरा नीला की कलाई का नाप तो लेते जाओ। हाँ कलाई का नाप तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसके पहले तेरी कलाई नाप ले दो। हाँ कलाई का नाप तो लेते जाना। इतनी बड़ी ना? नहीं दीदी अभी अभी आया हूँ, थोड़ा साली चाची से चाबी ले ली और मैंने दरवाजा खोल लिया। लो चाची भी आ गई, जरूर 100 साल जिएगी। अरे बेटा 100 साल जीकर मुझे क्या करना है, भगवान करे मेरी भी उम्र तुझे ही लग जाए। प्रसाद ले, नागदेव की पूजा करके आई। नहीं दीदी नहीं, प्रसाद बाद में, पहले ये चमन का अंगूर खाओ, पूरे 5 बरस के बाद इसकी शक्ल देखने को मिली है। हाँ नहीं नहीं, पहले तू प्रसाद खा, मुंह खोल। ओहो अब तुम भी मुंह खोलो, लो अंगूर। नहीं चाची को दे देना, मैं नहीं खा सकती। अरे चाची को तो दूंगा ही, लेकिन तुम क्यों नहीं खाती? देखो ना चाची, जीजा जी जिंदा थे तब हमेशा इन अंगूरों के लिए जिद किया करती थी, लेकिन अब क्या हुआ? ये अंगूर उन्हें भी बहुत पसंद थे, जब वो ही चले गए तो मुझे भी ये अंगूर जहर लगते हैं। जो चीज बहन के लिए जहर है वो भाई के लिए भी जहर। वाह वाह वाह, भाई बहन का प्यार हो तो ऐसा हो। विद्या विद्या, अरे अगली कहीं की तो रोते रही है। चुप रह चुप रह, अगर तू सह रोती रहेगी तो इस मूर्ख बालक का क्या होगा। हाँ चाची, राजा वैसे तो मेरी हर बात मानता है, मगर एक बात के लिए तुम उसे मना लो। बोल तो सही, मैं अभी कान से पकड़ के मनवा लूंगी। क्या बात है बोल, इसे समझाओ कि अभी शादी कर ली, बहुत इतनी सी बात क्यों रे राजा। हाँ हाँ तुम भी यही कहोगी ना कि मैं शादी कर लूँ जैसे मैं बूढ़ा हो जाऊँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है। हाँ उम्र ही क्या है, तो क्या बूढ़ा होकर शादी करेगा, अरे यही तो उम्र है शादी करने। ओफो चाची, क्यों खुली हवा में उड़ने वाले पंछी के पर काट के उसको पिंजरे में डालना चाहती हो? जरा सोचो, अगर मैं शादी कर लूंगा तो बीवी के प्यार में दीदी को भूल जाऊंगा, तो क्या दीदी को तुम अपने घर में रखोगी? मैं चाची के घर क्यों रहने लगी, मैं अपनी भाभी के पास रहूंगी, उसके नखरे उठाऊंगी, अपने भतीजे भतीजियों की देखभाल करूंगी। अपनी खुशी तो नहीं देख सकी, अपने राजा भैया को तो खुश देख लूं। देख लिया कैसी है तेरी दीदी, अब कर दे इसकी इच्छा पूरी।
किसके लिए है दिल की सजा, ये किसके लिए है आंखों में नशा, ये किसके लिए है दिल की सजा, ये किसके लिए है। मुझे किसने पुकारा किया दूर से इशारा, ए जी बोलो मैं हूँ राही बेचारा, कोई देगा सहारा, ए जी बोलो जो कौन है तेरा भरोसा, कौन है कौन है कौन है, ओ कौन है कौन है कौन है। जी मेरा दिल तुम लोगे बदले में क्या तुम हो बिठोगे, कहो तोड़ के लड़की किस्त पर हाथ डाला इसने। हाँ सरकार, बांध दो जो पैर के साथ। डैडी, ऐसा कसूर करने वाले को तो कत्ल कर देना चाहिए। नहीं बेटी, कत्ल कर देने से इसकी जिंदगी भर के दुख दर्द दूर हो जाएंगे, इसे तो जिंदा रखना चाहिए। पिताजी कितने? अरे पहले शुरू तो कर बेटा, फिर देखेंगे। अच्छा, ओ राजा, तू फिर बरसाती मेंढे की तरह टटराने आ गया। छोड़ रहे हंटर, छोड़ रहे, छोड़ रहे जमींदार साहब। ये आदमी है जानवर नहीं। अब वो दिन गए जब जमींदार लोग आदमियों को भेड़ बकरियों की तरह हाका करते थे। से पहले ये भी तो पूछो इसने करतूत क्या किए हैं। कुछ भी किया होगा, चोरी की होगी, डाका डाला होगा, कत्ल किया होगा, लेकिन आप लोग कौन होती है सवाल लेने वाले? पुलिस के हवाले कीजिए। क्या पुलिस मेरे डैडी से बड़ी है? गाँव को चलाने वाली पंचायत होती और जमींदार उसका सरपंच। बीबी जी, सरपंच न्याय की बागडोर अपने हाथ में नहीं ले सकता। और आप कहाँ के वकील हैं जो इसकी तरफ से बहस करने आए हैं? फर्ज कीजिए, मैं वकील बनकर इसकी तरफ से बहस करने आ भी गया तो आज की कचहरी को क्या तकलीफ हो रही है? अरे चुप हो जाओ लड़के, बोल दो। डैडी, डैडी, मैं इसकी बातों में आकर उसे नहीं छोड़ रहा हूँ। आदमी कमजोर है, कोड़े पड़ेंगे तो मर जाएगा। जाओ ले जाओ ना। देखो राजा, तुम गांव के हर लेन देन में कहीं से भी आकर बीच में से मुंडी निकाल लेते हो। ये तुम्हारे बाप की भी यही आदत थी। चादर देख के पांव फैलाया करो। जमींदार साहब, मेरे पिता के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं, और आप मेरे बारे में भी निश्चिंत रहिए, मेरी चादर बहुत बड़ी है। पिताजी, आप इस चार पैसे के आदमी के सामने चुप हो गए? बेटा, हम बातों से किसी का दिल नहीं दुखाते, मौका पाते ही कलेजा निकाल लेते हैं। इसका बाप हमसे कोई कम रईस नहीं था, क्या हालत कर दी थी हमने उसकी। You idiot! Thank you, चंचल, thanks for the compliment. आपने जो हमारी तारीफ की, हम खुश होकर प्यार भरा हाथ आपकी तरफ बढ़ाते हैं। थाम लो चंचल, हम लोग तुम्हारी जिंदगी बन जाए। क्यों बदरंगी, आज बड़े रंग में नजर आते हो। बात दरअसल ये है चंचल, कि आज है एग्जाम का दिन, सारे स्टूडेंट्स रात भर जागकर स्टडी करते रहे और मैं घोले बेचकर सोता रहा, सिर्फ इसलिए कि सुबह उठकर अपना फ्रेश थोबड़ा आपको दिखाऊं ताकि आप पास हो जाएं। Really, you are a prize. मिस चंचल, थैंक्स फॉर द सेकंड कॉम्प्लीमेंट। वैसे मैं आपका नौकर हूँ। बदरंगी यार, एक लड़की के गुलाम बनकर हम सब नौजवानों की तोहीन तो मत करो। अगर चंचल एक अमीर माँ बाप की बेटी है तो तुम भी तो एक अमीर माँ बाप के यतीम बच्चे हो। काके, यतीम हूँ इसीलिए तो चंचल से शादी करना चाहता हूँ। चंचल के माथे पर बाप का साया है। शादी के बाद चंचल के पिताजी मुझे मेरे पिताजी का प्यार देंगे। यू हैव टू हेल्प मी चंचल। अच्छा बदरंगी, yes. आप इडियट है। दिस इज द लिमिट ऑफ इडियसी, कम ऑन गर्ल्स। बदरंगी यार, आज भी कन्नी कतरा गई। यार तुम बड़े कमजोर गुर्दे के इंसान, उसके कन्नी कतराने से क्या होता है? अरे अपने आप का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इम्तिहान हो जाने दो।
उसके बाद में मैं चंचल के गांव जाऊंगा, उसके पिताजी का इंटरव्यू लूंगा और फिर उसका हाथ मांगूंगा और फिर तुम सबको बराती बनाकर अपने दुल्हन को घर ले आऊंगा। बजरंगी की जय। बजरंगी की जय। खामोश खामोश यार, इम्तिहान का दिन है, जाके इम्तिहान दो। बजरंगी तुम्हें भी तो इम्तिहान देना है। ना 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 ना, ना। हम तो सिर्फ दाखला देते हैं, इम्तिहान तुम लोग दोगे। जाओ जाके देश की सेवा करो, पढ़ो, जाओ 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 देश की सेवा करो जाओ। ए, रास्ता क्यों रोकता है? हटा बैलों की जोड़ी को। मेम साहब, जोड़ी को क्यों तकलीफ देती हो? तुम अकेले ही रास्ता बदल लो। क्यों? सड़क का तुमने ठेका ले रखा है? मैंने सड़क का ठेका नहीं ले रखा, लेकिन बात बात पर झगड़ा मोल लेने का ठेका तुमने जरूर ले रखा है। देहाती का देहात ही रहेगा। देहाती का देहात ही रहेगा। देहातन तो तुम भी हो, लेकिन देहाती सारंगी पर गुलाब शहर का चढ़ा हुआ है। चलो चलो। गिरना क्या, किचन में तो अपना ओढ़ना बिछाना है। इतनी लंबी जोड़ी बात कर लेती तू। वैसे बात तो छोटी सी की थी, लेकिन मतलब कुछ ज्यादा था। मतलब ज्यादा था, लेकिन तुम कौन होते हो इसकी तरफ से जवाब देने वाले? वैसे तो हमारा नाम ही खामखा है, लेकिन जिसकी तरफदारी कर रहा हूँ वो अपनी कुछ लगती नहीं है। तो मुझे नीला से शादी करनी ही पड़ेगी। बहुत गर्दन उठा उठा कर घूमता है राजा का बच्चा, उसका सर तो मैं हर कदम पर झुकाना चाहता हूँ। झुकाना ही चाहिए, हम इस गांव के मालिक हैं, इस गांव की हर चीज पर पहले हमारा हक है फिर किसी और का। लेकिन पिताजी को मनवाना होगा। चिंता न करो भैया, डैडी को मैं समझा लूंगी। सब कुशल तो है? आपकी दया है बड़े भैया। अरे विद्या, बात तो पहले ही करी कराई है, तंबू भैया क्या ना करेंगे? तो भैया, चाची पहेलियाँ क्या डाल रही हो, साफ साफ कहो। भैया हम तेरा आधा बोझ हल्का करने आए हैं, राजा को तो तू जानता ही है, तेरा ही चेला है और तेरा ही बच्चा है, अब उसे हमेशा के लिए अपनी गुलामी में ले ले। अच्छा समझा, नीला के लिए कह रही हो? हाँ भैया। नीला और राजा दोनों ही मेरे बच्चे हैं, मुझे क्या इनकार है गंगा चाची। हाय जी तारा मेरे भैया, ले विद्या तुझे बहुत बहुत बधाई हो। तुम्हें बधाई हो, तो फिर मूवी में क्या कर रही थी? दीदी ले भैया ये भी ले। नीला अपने जीजा को भी बुला ला। कहाँ है वो? वहाँ चौकर पे चुप कर बैठा हुआ है, अभी पकड़ के ला दो। आजकल की लड़कियों से ज्यादा तो ये लड़के शर्माते हैं। अरे जीजा जी एक बार और पहुँचो, अब बाबा तुम्हारे सिर्फ गुरु ही नहीं ससुर भी होने वाले हैं। शंभू मास्टर, शंभू मास्टर, कौन आ गया इस समय? समीदार साहब आइए, मालिक आइए, बड़े अच्छे समय पर आप आइए। हम भी मुहूर्त निकलवा के आए, कर दो। बिराजी है ना मालिक? शंभू तुम अभी मैं मालिक मत कहा, मालिक तो बस एक है और वो है भगवान, और भगवान जब किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब तुम ही कहो, तुमने कभी सोचा था तुम्हारी नीला बेटी कभी इतने बड़े घर में जाएगी? जी मैं ये कह रहा था कि शादी ब्याह के संजोग तो जन्म के साथ ही लिखे होते। बिल्कुल ठीक शंभू, बिल्कुल ठीक, ये संजोग ही की तो बात है, वरना हमें क्या पड़ी थी कि हम अपने सागर का रिश्ता नीला से जोड़ने आते। ओ,
तो आप अपने सागर के लिए नीला का रिश्ता मांगने आए हैं? और किसके लिए आते भाई, हमारे एक ही तो बेटा है। जी ये तो मेरे धन्य भाग है, लेकिन मेरी एक विनती है। हम समझ गए शंभू तुम क्या कहना चाहते हो, तुमसे दहेज की आशा बिल्कुल नहीं है। और तुम दोगे भी कहाँ से, तुम्हारे पास तो सिर्फ दो ही चीजें हैं, कला और सुंदर कन्या। कला का दान तो तुम मेरे बेटे सागर को कर ही चुके हो, बस अब कन्या दान कर दो। जी जी छोटा मुंह बड़ी बात, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं शक्ति का पुजारी हूँ और हनुमान जी शक्ति के सबसे बड़े देव। मैंने हनुमान जी की सौगंध खा रखी है कि मैं अपनी बेटी का हाथ उसी के हाथ में दूंगा जो अपनी शक्ति से मेरी बेटी का मन। लेकिन शंभू, शक्ति की परीक्षा तो उसी समय की जा सकती है जब कोई मुकाबले में हो, किसी और की तरफ से रिश्ता आया क्या? आपसे पहले विद्या बहन राजा के लिए नीला का हाथ मांगने आई। वो तो हम पहले ही समझ गए थे शंभू, लेकिन राजा राजा है और सागर हमारा बेटा है। मेरे लिए तो दोनों बराबर है मालिक। ठीक है शंभू, जब तुमने हनुमान जी की कसम खा रखी है तो हमें तुम्हारी शर्त माननी ही पड़ेगी। चलो भाई चलो। मुकाबला लड़के लड़की का? वो तो शादी के बाद होगा, पहले तो मुकाबला होगा लड़कों का। न जाने शंभू ने हनुमान जी की सौगंध क्यों खा रखी है, गांव में जो सबसे बलवान होगा नीला उसी की होगी। पिताजी आपको भेजा था सगाई ठहराने के लिए, आप कुश्ती ठहराए। हम क्या करें बेटा, इन पहलवानों के कुछ अपने ही रस्म और रिवाज होते हैं। लेकिन पिताजी वो पहलवान। तेरी टांगे क्यों कांप रही हैं? बचपन से तुझे एक से एक बढ़कर गाय का दूध पिलाया है, नामी से नामी पहलवान तेरी वर्जिश के लिए रखे गए हैं और आज तो मुकाबले से घबराता है। इसका ये मतलब है बेटी कि इसकी सेहत के लिए हमने जो पैसे खर्च किए वो हराम के थे। डैडी ये शादी है या स्वयंवर? स्वयंवर भी हो तो खर्च क्या है? जरा सोच बेटा, जब तुम मैदान में दुश्मन की हड्डी पसली एक करके नीला को जीत कर लाएगा तो नीला के दिल में तेरे लिए क्या इज्जत होगी? दुनिया झुकने वालों को नहीं झुकाने वालों को मानती है, और फिर मुकाबला भी किससे, एक खटमल से। और तूने तो शंभू मास्टर को पैसे देकर उससे तालीम ली है, राजा तो यही मुफ्त में सीखता रहा है। ओ राजा, उससे है मुकाबला? पिताजी क्या आपने भी अखाड़े में किसी दुश्मन की पीठ लगाकर मेरी माँ से शादी की थी? ये तो आज तेरी माँ जिंदा होती तो तुझे बताती, तेरी माँ के सारे मोहल्ले को हमारे घर से दुश्मनी थी। चमकती तलवारों की छांव में घोड़े के पीठ पर बैठ के तेरी माँ से हम शादी करने गए थे, पृथ्वीराज चौहान की तरह। विद्या बहन, मेरी शराफत को गाली न दो। इतना बड़ा आदमी झोली फैलाकर मेरे मकान पर आया, उसे किसी तरह तो मुझे टालना ही था। मैंने कोई सौगंध नहीं खा रखी। हनुमान जी मुझे क्षमा करें, मैंने तो बचाव के लिए झूठ मूठ उनका नाम ले दिया, और फिर राजा के हाथ पांव की ताकत के बारे में मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। राजा और सागर दोनों मेरे सिखाए हुए हैं। राजा तूफान है, सागर तिनका। बात भी रह जाएगी और अपना काम भी बन जाएगा। आप कुछ भी कहिए बड़े भैया, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। ये मेरी चीची डाले का मकान है या ताजमहल, क्यों ना जैसे मिठाई दुकान। ए, कौन हो तुम? पहले आप ये बताइए कि आप कौन? मैं एक पागल हूं। मैं भी पागल का बाप हूं। पागल? कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। वैसे मिस्टर पागल, जिस तरह कुत्तों की कई नस्लें होती हैं, यानी के अल्सेशन, बुल टेरियर, बुलडॉग, खुजली वाला कुत्ता, उसी तरह पागल भी कई किस्म के होते हैं। लेकिन आप अपने ढंग के एक ही पागल हैं। ये पहला पागल है जो अपने आप को पागल कह रहा है। दोबारा मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। मिस्टर पागल, एक बात और बताइए कि आप इस घर में कैसे हैं? इस घर में? एक मिनट, कान तो नहीं काटोगे? ये मेरा घर है। ये तुम्हारा घर है? मैं गलती से पागल खाने में तो नहीं चलाया? चंचल डार्लिंग का तो यही एड्रेस था। क्या चंचल डार्लिंग यहाँ नहीं रहती? चंचल भी यही रहती है। चंचल भी इसी पागल खाने में रहती है? क्यों नहीं, शायद मेरी मोहब्बत में पागल होकर यहाँ आ गई होगी। क्या बच्चा? अरे नहीं यार, मैं भी तेरी तरह पागल हूँ, लेकिन अलग किस्म का पागल हूँ। मैं नहीं लाग। अरे कोई पागल है जरा, इसके पागलपन मुझे से छुड़ा। मिस्टर एल्बर्ट, भैया छोड़
छोड़ दो। अरे कैसे छोड़ो? मैं रिश्ते में तुम्हारा ब्रदर इन लॉ रखने वाला हूँ, मेरी बहन की तरफ से नहीं, तुम्हारी बहन की तरफ से। अरे चंचल क्या मकरा है ये? ए मिस्टर एल्बोन, आना था तो वक्त देकर। मैं समझा था कि मोहब्बत में हर टाइम सूटेबल होते हैं, अब अगर तुम कहो तो आज शाम को आ जाऊँ, यहाँ आऊँ या इस गाँव के पीछे वाले गार्डन में। अरे जाता है कि नहीं? अरे छोड़ना, जाता हूँ जाता हूँ। अब कैसा कड़क साला है, अपनी बहन के विधवा होने का भी डर नहीं? अबे जाता है कि नहीं? अरे लग गया पता कि कॉलेज में किस किस्म की पढ़ाई होती है। भैया कभी कॉलेज का दरवाजा देखा हो तो जाना कि कॉलेज में क्या होता है। अरे चुप, ये तुम्हारा। ये मेरा क्लास फेलो है, बहुत अमीर लड़का है लेकिन दिमाग का जरा एकाध पुर्जा ढीला है, इसलिए अनाप शराब बकता रहता है। तुमने खामखा इसकी हड्डी पसली एक कर दी। तो क्या उसमें गले से लगा लेता? मेरी चिंचू, मेरी डार्लिंग, न जाने क्या क्या बक रहा था। भैया ये पागल जरूर है मगर डेंजरस नहीं। भैया जाओ जाओ जल्दी उसे बुला कर लो। मैं उसे बुला कर लाऊं? कॉलेज में ऐसे लड़कों की सोबत में रहकर तुम पर भी पागलपन का असर हो गया है। बस ऐसा ही सोच लो लेकिन मेरी बात मानो। ये बात है तो मैं अभी उसे जाकर मना के लाता हूँ। उछल क्यों रहे? भाई को खिलाया है उससे अगर आधा भी हम खाते हैं तो छड़ी से बाजी जीत जाते हैं। आप यूं ही दिल छोटा कर रहे हैं, जीत तो जरूर सागर भैया। लड़ता तो ठीक है लेकिन जीतता है नहीं। लड़वा दी ऊपर से लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की। चुपरा जूते पोल्टी। सुना देख, एक घूंट दूध पीना पूरा पी गया, अब पेट भर के क्या लड़ेगा? अरे सुन, लड़ना है सब बाघ की नाक देखकर लड़ना है, इस नाक पर कभी मक्खी नहीं बैठी। क्या लकड़ी चल रही थी? अरे बहुत पसीने निकला है, चलो थोड़ा सा थोड़ा पी लो, थोड़ा सा। शाबाश शाबाश।
पीलो पीलो पूरा पूरा शाबाश। दीदी आप यहाँ हैं? आज राजा का सागर से मुकाबला है। मैं दिल की कमजोर हूँ ना, मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाता। जब बाजी ने जीता तो हमें शक होगा कि किसी और की औलाद है। देखिएगा ये बात शाबाश, मैदान का मर्द बनकर लड़, वरना नीला क्या गांव की कोई लड़की तुझे मर्द नहीं समझेगी। ऐसा क्यों कर रहा हूं? अपनी शादी भी ऐसी होगी, लेकिन हम लोग हनीमून मून में मनाएंगे। शर्मा जी क्या सोच रही है? कुछ नहीं बेटा, अभी तक हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बुद्धू जीत कैसे गया।
धीरज रख दिया। शायद तेरे नसीब में संजोग नहीं था। उम्र भर का सीखा हुआ ऑनर हक पड़े पर धोखा दे गया। दीदी मुझे तो अब तक यही विचार आ रहा है, ये संग्राम एक सपना था। बीती बात को दिल में नहीं रखती, उसके हुक्म के आगे तो सर झुकाना ही पड़ता है। चंचू ये देखो, मैं पंडित जी को एडवांस देकर ले आया हूँ, अब जल्दी से अपनी शादी का मुहूर्त निकलवा दो। किसकी शादी? हमारी तुम्हारी शादी। शर्म नहीं आती? बड़ों के होते हुए सीधा मुझसे बात कर रहे हो? देखो चंचू, छोटों में बड़ों का क्या काम। वैसे तुम्हारे भाई के साथ में मेरा एग्रीमेंट हुआ था, अब उनकी शर्त पूरी हो गई है, वो सिंगल से डबल हो गए, हम दोनों भी डबल हो जाए, उसके बाद में ट्रिपल फिर चौपल। चंचू अगर मैं तुम्हारे भाई की मदद नहीं करता तो वो राजा तुम्हारे भाई की टांग तोड़ देता और वो उम्र भर कुंवारा बैठा रहता मालूम। तुम अंदर जाओ, मैं इससे फैसला करता हूँ। पंडित जी आओ, फैसला करेंगे। बैठ बैठ पंडित जी। पंडित जी लीजिए अपनी दक्षिणा और यहाँ से जाइए। धन्यवाद महाराज। पंडित जी, पंडित जी। मिस्टर बदरंगी, हाँ जी, ये रही तुम्हारी मजदूरी, अब यहाँ से जाओ। वाह वाह, रईस के लौंडे को 5 का नोट दिखा रहे हो? अबे लौंडे, अब मेरा मतलब भाई साहब, बैंक में 5 लाख रुपया वाइट का तो मेरा पड़ा हुआ है। जब भी मैं पैजामा पहनता हूँ तो 100-100 की नोट नेफे में होते हैं, उन्हीं से मैं नाड़ी बांधता हूँ। तुम अगर अपनी बहन से मेरी शादी करवा दो तो 5-25 मैं तुम्हें भी दे दूंगा। कभी आपने मुंह आईने में देखा है? सुचुंदर के सर में चुंबेली का तेल, वाह! छी छी छी, क्या घटिया टेस्ट है तुम। अगर तेल का ही नाम लेना था तो कोई अच्छे तेल का नाम ले, जैसे कि ओल्ड स्पाइस, यार्डले, खोपरे का तेल। मिया तुम्हारी शादी तो सिर्फ एक सोडे की बोतल से हुई और मेरी शादी में स्कॉच विस्की खुलेगी। अबे ठर्रे, क्या है बेवड़े, यहाँ से जाता है कि नहीं? बेईमान आदमी, थूक के चाटते हो। जानते हो मैंने तुम्हारी बहन के लिए क्या क्या कुर्बानियां की? मैं 2 साल BA में फेल रहा सिर्फ इसलिए कि उसके साथ फाइनल पास करूंगा, वरना आज मैं MA हो गया होता। अब यहाँ से तुम GETOUT आउट हो जाओ। वाह पहलवान, स्पेलिंग से डरा रहे हो? आप बोलो। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आज पछता रहा, लेकिन कल तुम पछताओ। अबे जा जा, कल तुम पछताओ। अरे मैंने उस सोडे में नशे वाला पाउडर मिला दिया था। क्या नशे का पाउडर मिला दिया था? तुम्हें मुझसे किस जन्म का बैर था? ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, जब तुम सागर के साथ मुकाबले में हार गए थे और नीला सागर की हो गई थी, तब गांव वालों की आंखों में तुम्हारे लिए आंसू थे, तब मुझे पता चला कि तुम कितने महान इंसान हो। ये तुमने क्या किया? इससे तो अच्छा था तुम मेरा गला घोंट देते। मुकाबला मुकाबला नहीं, मेरी जिंदगी की बाजी थी, मेरे प्यार की बाजी थी। मक्कारी तुमने मुझसे क्यों की? बोले ये मक्कारी तुमने मुझसे क्यों की? मुझे धुतकारो या कुछ भी कहो, लेकिन मैं देवी देवताओं की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं मक्कार नहीं। ये पाप मैंने किसी और के कहने पर किया था। कौन था वो? मैं पूछता हूं कौन था वो? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मेरे भाई ना, मुझे सिर्फ उसका नाम बता। चंचल भैया, गुस्सा को थोप दो भैया, चंचल को जान से न मारना चंचल को। वो मेरे काम तो ना थे, किसी और के काम आ जाएगी। क्यों किसी के दिल में आग लगाकर झूला झूल रही हो? राजा तभी से बात करो, ऐसे अकेली लड़की के सामने आने से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने आया हूँ, तुम्हें मुझसे क्या दुश्मन है, नीला से क्या बैर था? जिस लड़की के सुहाग का मालिक मुझे बनना था वो तुमने मुझसे क्यों छीन लिया? ये कोई
कोई नई कहानी है, मैंने तो आज तक नहीं सुनी। बनो मत, इस कहानी का लेखक तुम्हारा गंदा दिमाग है। तुम्हारे बुजदिल कायर भाई को लड़की चाहिए तो फिर ये स्वयंवर जाने की क्या जरूरत, उसकी बहन गली गली भीख मांगकर अपने लिए भाभी ला सकती। बको मत, मुकाबला हुआ था, सागर भैया ने नीला भाभी को भगाया नहीं, अपने बाजुओं की ताकत से जीता है। हाँ, अगर सागर के बाजुओं में ताकत होती, अगर उसे लाठी चलाने का हुनर आता होता, तो फिर तुमने बदरंगी से सोडे में नशे वाला पाउडर मिलवाकर मुझे क्यों मिलवाया? भाई अगर किसी लड़की से प्यार करे तो ये बहन का फर्ज नहीं कि उसकी मदद करे, मैंने तो यही सोचा था। तुमने गलत सोचा था चंचल, लेकिन तुझे मेरे प्यार का घरौंदा ढाने की क्या जरूरत, जरूर तेरी आंख मुझ पर हो। अच्छा तो ये सोचा है तुमने कि गांव में एक सुरमा तुम ही हो, सबसे बहादुर, सबसे अकलमंद, सबसे खूबसूरत। बहुत दुदुदी हो रही, हो जाए फिर साथ फेरे, भाई का घर तो बस गया, बहन का घर भी आबाद हो जाए। ओ, इतना शौक है शादी का, दो चार दिन ठहर जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक चरवाही ढूंढ दूंगी, वो भेड़ बकरियां हाका करेंगी और लाठी लेकर तुम उसे हाका करना। चंचल भी सुन लो चंचल, एक दिन तुम्हें इन चरणों की दासी बनना पड़ेगा। काश इस समय कोई गवाह मौजूद होता, मेरे वचन को, मेरी प्रतिज्ञा को आदमी ना सही, ये का पानी आसमान तो सुन रहे हैं, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे। लेकिन शहर के छत्ते पर कब्जा नहीं कर सकते। श्रीमान जी, पत्रिका देखने की क्या जरूरत है, कुंडली में लिखा हुआ है कि लड़की बीए पास करेगी। आज सुना बेटी, तेरी कुंडली में पहले से लिखा हुआ है कि तू बीए पास करेगी। पंडित जी, आप भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते, फाड़ दीजिए जन्म पत्र। गाड़ी, मैं तो अभी और पढ़ लू। तो भाई क्या बात है, आज शिवरात्रि के रोज भगवान शंकर के मंदिर का दरवाजा क्यों बंद है? राजा गड़बड़ मत करना, जमींदार साहब अंदर चल के उपासना कर रहे हैं। अरे ओ घनचक्कर, जरा दिमाग से तो काम लिया कर, भगवान में पहले गरीबों का हक होता है, बाद में किसी और का। चल खोल दरवाजा। अरे अंदर जमींदार साहब पूजा करें। अरे भाई कहाँ बैठे गए, भाई जमींदार साहब पूजा करें, खा जा भाई। देखिए सरकार, इन शोर मचाने वालों में तुम भी हो? नहीं सरकार, शोर तो ये लठ महाराज राजा मचा रहा है। तो राजा, तुम हमें चैन से पूजा भी नहीं करने दोगे? जमींदार साहब, ये आपका घर नहीं, भगवान का मंदिर, भगवान की नजर में छोटे बड़े सब हैं। और दीदी, अरे बच्चे, पहले हमारे इस प्रश्न का उत्तर दो, काले गोरे अमीर गरीब छोटे बड़े सबको तो भगवान ने ही बनाया है। क्यों विद्या, किसी को बनाया है मालिक, किसी को उसका अधीन, किसी का हाथ यूं रखा, किसी का यूं, सब एक जैसे कैसे हो गए? क्यों भाई, सरकार ठीक ही कहते। माफ कीजिए जमींदार साहब, यह आपने आपकी गलत बोली, मैं जानता हूँ इस दुनिया में छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लंगड़े भी होते हैं, लूले भी होते हैं, घर वाले भी होते हैं, बेघर भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, लेकिन आपने ये फैसला कैसे कर लिया कि आप ही संसार के सबसे बड़े आदमी हैं? ये हमने कब कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं? तो भाई हमने कहा नहीं सरकार, सरकार। कहा नहीं, नहीं सरकार, लेकिन इस गाँव के बड़े आदमी जरूर। जी सरकार, जमींदार साहब फर्ज कीजिए किसी दूसरे गाँव से आपसे भी बड़ा जमींदार यहाँ आकर आबाद हो जाए, तो क्या वो आपके साथ भी वही सलूक कर सकता है जो आप हमारे साथ करते हैं? आप कौन होते इस मंदिर पे अपना हक जमाने वाले? पूजा के वक्त जब मंदिर की घंटियां बजती हैं, तो उसकी झंकार सिर्फ आपके कानों में नहीं बल्कि हमारे कानों में भी पड़ती है। हर रोज सुबह जब सूरज उदय होता है, तो उसकी पहली किरण आपकी हवेली पर नहीं बल्कि हम गरीबों की झोपड़ी पर भी पड़ती है। राजा अपने आप में रहो, तुम्हारे बाप का मंदिर नहीं तो चिल्ला रहे हो, समझे? तुम्हारे बाप का भी नहीं, क्या मतलब है? हम सबके बाप का है, भगवान का है। ऐसे नहीं लोने जाए। दीदी तुम चुप रहो, मुझे इससे निपट लेने दो। नहीं राजा। ओहो, आज तो ये कसम खा कर आया है कि हाथ पांव सलामत लेकर घर वापस नहीं जाएगा। मैं जा। बड़े मालिक इसे रोक दीजिए। अगर इन्हें देखो, भूल रहा हूँ कि हम भी आए। तुम्हारे भाई का खून जरा जरूरत से ज्यादा गर्म है, इसे घर ले जाओ। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इसे क्षमा कर दीजिए, मूर्ख बच्चा है, इसकी बात दिल में मत रखिए। ठीक है विद्या, अगर तुम कहती हो
लेकिन इसे समझा दो कि बड़ों की इज्जत भी कोई चीज होती है। चल घर चल, अगर तूने मेरी बात टाली तो याद रखना तुझे मेरी कसम राजा। तुम कहोगी तो ये जहर भी पी लूंगा। ओम अग्निर्देवता बातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता दीदी तुम घर चलो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। क्यों कहाँ जा रहा है तू? कहीं नहीं, तुम चलो मैं बस अभी आया। जल्दी आना राजा, मुझे चिंता लगी रहेगी। हाँ हाँ दीदी तुम फिक्र मत करो।
दीदी मुझे पूरा यकीन है हमारी झोपड़ी को उस पापी उमाशंकर ने आग लगाई है। मैं अभी जाकर पूछता हूँ। नहीं राजा, वहाँ जाएगा तो एक हाथ का खून हो जाएगा, वहाँ जाकर पूछ लेंगे। नहीं दीदी, मेरा तो खून खोल रहा है, मैं अभी जाकर उससे पूछूंगा। तुझे मेरी कसम, रात भर की तो बात है, कहीं भी पढ़कर रात गुजार लेंगे। चल चल ना। मालिक, यहाँ इस समय अकेली? हाँ अकेली आई हूँ। अपने सुरमा भाई को साथ क्यों नहीं ले आई? सुरमा तो वो होता है मालिक जिसके पास धन दौलत की लाठी हो। राजा ने न्याय के लिए मंदिर में आपसे झगड़ा मोल लिया, उसका ये मतलब तो नहीं कि आप उसका बदला हमसे इस तरह लें। बदला मैंने क्या किया? किसी की दुनिया राख कर दी और पूछता है क्या किया? मेरे बाप की जमीन पर कब्जा करके आपका जी नहीं भरा था, जो आपने हमसे सर छुपाने की जगह भी छीन ली। हमने कब आपकी हवेली की तरफ उंगली उठाई थी, जो आपने हमारी झोपड़ी जला दी। आज तुझे राजा का रंग आ गया है, तू शिकायत क्यों कर रही है? फरियाद कर, बोल तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्यों चली आई यहाँ? आप गांव के बड़े आदमी हैं, धर्म के ठेकेदार हैं। अगर आप गरीबों को इसी तरह कुचलते रहे तो गांव में आपकी बड़ाई के गुण गाने वाला कौन रहेगा? सुन, राजा हो तो राजा राजा कहलाता है, गरीब हो तो अमीर अमीर कहलाता है। तू खामोखा हमें कोस रही है। अरे कम उम्र में तू विधवा हो गई थी, इसमें भी मेरा हाथ था। देख, हम शिव के पुजारी हैं, शिव के मंदिर में तेरे भाई ने हमारा अपमान किया, इसलिए भगवान शंकर क्रोध में आ गए। हो सकता है उनके श्राप से तेरी झोपड़ी जलकर राख हो गई हो, इसमें मेरा क्या कसूर? एक तो आपने ये पाप किया कि किसी गरीब का सर्वनाश कर दिया, ऊपर से हमारी बर्बादी का दोष भगवान शंकर को देकर दूसरा महापाप कर रहे हैं। अरे पहले तो वो मंचला राजा ही शोर मचाता था, अब उसकी विधवा बहन का भी गला खुल गया। मालिक, मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, इस बात का तो जरा ध्यान रखो और शुक्र करो कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, वरना तुम्हारी ये हवेली भी कब की जलकर राख हो गई होती। ये हवेली नहीं, किला है, किला है। इस पर तोपों का असर भी नहीं हो सकता, समझी? जाओ चुपके से अपना रास्ता लो। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन मेरी आहें इस दरवाजे पर मंडलाती रहेंगी। भगवान सब कुछ देख रहा है, वो तुम्हें इस अन्याय के लिए कभी कभी माफ नहीं करेगा। अरे जाओ जाओ, इस न्याय के लिए कभी कभी माफ नहीं करेगा, समझती क्या है? दीदी की झोंपड़ी कैसे जली, क्यों जली, उस बात को छोड़िए, लेकिन किसी दिल जले की आग क्यों लेना? बहू, तुम हमें संसार की रीत मत सिखाओ। माफ कीजिए पिताजी, मैं तो ये कहना चाहती थी कि प्यार के दो मीठे बोलों से किसी को तसल्ली मिले तो। हाँ हम समझते हैं, हम समझते हैं। जाओ, प्यार के दो मीठे प्यार। ठहरो विद्या, जरा ठहरो। जिम्मेदार साहब। डरो नहीं, डरो नहीं। आप यहाँ क्यों आए? विद्या, हम तो रहा नहीं गया, हम भी इंसान हैं, हमारा दिल भी पत्थर का नहीं। आज तुम्हारी आंसू देखकर हम कुछ ब्याल से हो गए, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो तुम हमें क्षमा कर दो। हमारा घर जलाकर कह रहे हैं कि क्षमा कर दो। देखो विद्या, तुम्हारा घर किसने जलाया, क्यों जलाया, ये हम नहीं जानते। फिर भी अगर तुम ये समझती हो कि दोष हमारा है तो हम अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। ये लो 500 रुपए, लो लो लो, और भी ज्यादा जरूरत हो तो हमसे कहना। तुम सोच रही होगी इस उपकार का बदला कैसे चुकाओगी, यही ना विद्या? अगर तुम चाहो तो चुका सकती, ऐसी सुनसान जगह में अकेले मिलकर, हमेशा नहीं कभी कभी
हम मिलते भी रहेंगे, लोगों को पता भी नहीं चलेगा और हमारी इज्जत भी बनी रहेगी। सच बात तो यह है विद्या, इस गांव में तुम्हारी सेवा में कोई पसंद ही नहीं और हम 20 बरस से तुमसे कहते आए हैं। जवाब दो विद्या, जवाब दो विद्या। ये रहा आपका जवाब। जमींदार साहब, एक विधवा का नसीब है, अपनी उम्र और मर्यादा का तो ख्याल रखिए। ये रहे आपके रुपए, जाइए घर लौट जाइए। ठहरो विद्या, जरा ठहरो। जमींदार साहब, जमींदार साहब, एक विधवा के शराब से डरिए, छोड़ दीजिए मेरा आंचल, नहीं तो ये सांप बनकर आपको डस जाएगा। विद्या, सांप बनकर भी उमा शंकर को डसना इतना आसान? तुम एक विधवा औरत हो, इतना घमंड तुम्हें शोभा नहीं देता। हमारा अपमान करते समय तुमने ये नहीं देखा कि आसपास यहाँ कोई भी नहीं? तुमने ये नहीं सोचा कि इस अपमान का बदला हम यहीं इसी वक्त ले सकते हैं? जमींदार साहब, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं जान दे दूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये तुम कभी नहीं कर सकोगे। राजा, हमारा एक घर जल गया तो क्या, बस्तियां भी तो उजड़ जाती हैं, लेकिन मुझे दुख है तो अपने अपमान का, जिसके कारण आज मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। नहीं, राजा, तूने मुझे हमेशा माँ की तरह समझा है, आज मैं तुझसे एक वचन मांगती हूँ। ये चिट्ठी देखते ही तो ये गांव छोड़कर चले जाना, अगर तू एक पल भी यहाँ रहा तो हमारे कुल का कोई नाम लेवा भी नहीं बचेगा। दीदी, दीदी, मैं उसके खानदान की जड़ें काट दूंगा जिसने मुझसे तुझे छीना। भैया, अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मेरी आत्मा सदा के लिए भटकती रहेगी। अगर तेरे दिल में अपनी दीदी के लिए जरा सा भी प्यार, जरा सी भी इज्जत है, छोड़ दीजिए गांव, चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा। सारे गांव में ये बात फैल गई है कि विद्या ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? आत्महत्या? इसके लिए आत्महत्या की क्या जरूरत थी जी? मेरा मतलब है, बड़ी मूर्ख निकली, झोपड़ी जल गई, इसके लिए आत्महत्या? वो तो बेचारी मर गई सरकार, लेकिन जिसने उस गरीब पर ये जुल्म ढाया है उसके खानदान का जरूर सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश? क्या वक्त है वो सर्वनाश? अपनी बहन की मौत का बदला राजा जरूर लेके छोड़ेगा। बदला लेगा तो लेगा, तुम जाओ यहाँ से। बदला लेगा? भूत प्रेत मौत बदला कत्ल राजा। अमीर के भाड़े का टच, तेरी मेरी क्या दुश्मनी? राजा,
और देख अब ये राजा इस नगरी में कभी नहीं आएगा, समझा? जाकर अपने जमींदार उमा शंकर से कह देना कि तूने तूने मुझे मार डाला। अरे बड़ी देर बाद में अटकी थी। क्या बात है बतरंगी, तू डूब रहा था, मैंने तुझे बचाया। राजा राजा तू राजा तूने मुझे बचाया, मैंने तो सोलह पिला के तेरे को बर्बाद कर दिया था, तूने मेरे को क्यों बचाया? राजा तू ये शहर में कैसा आया? जमींदार उमा शंकर के जुल्मों से तंग आकर मैं इस शहर में अपने पावर खड़ाने के लिए आया हूँ। अरे राजा उसकी बेटी है ना चंचल, वो भी यहाँ आर्ट्स कॉलेज में पढ़ती है, बदला लेने का बहुत अच्छा मौका है। राजा चल तू मेरे साथ में मेरे घर पे रहना, मेरे पास मोटर है, बंगला है, सब कुछ। नहीं नहीं मैं किसी का ऐसा नहीं लूंगा। नहीं राजा देख, मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद की थी, अब मैं ही तेरी जिंदगी संवारूंगा। चल मेरे भाई, सबसे पहले मैं तेरा बाल काटूंगा। बाल? नहीं। अरे अरे राजा 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 मेरी बात सुन, राजा मैं लग रहा हूँ, देख मेरे को सुन। अरे राजा राजा सुन ना मेरी बात, पकड़ो पकड़ पकड़ पकड़। राजा राजा और मैं अरे अरे यार ये वो दुकान है जहाँ कालिदास को शेक्सपियर बनाया जाता है, ये क्या है? राजा मैं तुझे राजा से राजकुमार बना दूंगा। के सवाल का जवाब मिस्टर बाबर क्यू मैं कैची, आई विल डू द ओपनिंग उद्घाटन। अरे ये क्या कर रहे हो? हिम्मत रखो, मुझे मेरे पास। लेकिन
नहीं सकता। अरे चलना किसको है यहाँ, मेरे नाना की मर्सिडीज किसके काम आएगी। चल बस। फाड़ दी, नहीं पतलून फाड़ दी। वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। अब बताओ ये क्या है? बी। क्या हो बच्चे? अबे कुर्सी में खड़ा हो जा। बी को बी बोलना है। और ये क्या? बी। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड बॉय। अब ये बताओ, ये क्या? ए, 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 ए। यार इतना लंबा मत कर, छोड़ दे उसको बीच में। तू तो कर रहा है ना, तू ये कर रहा है। इतना लंबा नहीं, जो मैं बोलता हूँ वो कर। Child is behaving. I am not a child, young man. Oh, wonderful. Wonderful. Sansan, ये क्या painting है? Natural art. एक modern लड़की कीचड़ में फंसी हुई है और एक गंवार भांगड़ू उसको dry clean कर रहा है. हंस लो. लेकिन ये मेरी जिंदगी का सच्चा वाक्य है। ये कीचड़ में फंसी हुई लड़की मैं हूँ। अच्छा, तो इस तस्वीर की हीरोइन तुम हो? ये हीरो कौन है? बेचारा हमारे गांव का एक नौजवान था, अक्सर मुझसे उलझता रहता था। अब वो मर चुका है। जान पड़ता है, मरने के बाद उसकी समाधि तुमने अपने दिल में बना रखी है। भाड़ में गई समाधि, मैं तो जरा यूं ही हाथ साफ कर रही थी। 3 दिन की छुट्टियां हैं, गुजरने का नाम ही नहीं लेती। मैं भी बोर हो रही हूँ। चंचल, क्यों ना आज रात क्लब चला जाए? और बहनों, मुझे रात जवान हो चुकी है। इससे पहले ये गाना शुरू हो, मैं आप सबका इंट्रोडक्शन अपने क्लब के नए मेंबर श्री राजकुमार से कराना चाहता हूँ। तो इनसे मिलिए, ये है श्री राजकुमार।
अंचल, ये नया मेंबर अच्छा खासा है। होगा, मुझे क्या, लेकिन अभी बच्चा है, मुझे कौन सा गोद में खिलाना है। चंचल वो देखो आ रहा है। नाच कर रे कलची तेरे बन न बने यार, कितनी देर कर दी, वो मछली फंसी के नहीं ऐसा जाल दिखाया है कि अब बच निकलना बहुत ही मुश्किल है। यार कमाल किया तूने तो, तू तो मेरे से भी ज्यादा चलाक निकला, तूने लड़की के दिल में गुदगुदी पैदा कर दी है, अब तो बचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कौन कौन विद्या विद्या पापी, एक नारी का अपमान करके तूने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया,
और अब चैन की नींद सो रहा है। हमारे पीछे छोड़ दीजिए। नहीं, हमने पाप किया है, इससे माफी मांग रहे हैं। अंदर गति करो, गति करो। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, बनारस, कुरुक्षेत्र, बनारस, जहाँ भी तू जाएगी, हम तेरी गति करवा देंगे। हमारा पीछा छोड़ दे। नहीं, जब तक तेरे प्राण न निकल जाएं, मेरी आत्मा भटकती रहेगी। सपना था, वहम था। विद्या कहाँ से आएगी, वो तो मर चुकी है। तुम कहो, छुट्टियां एंजॉय हो रही हैं? हाँ, आज आखिरी छुट्टी है। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? आज कॉलेज के हॉस्टल में। और आप? मैं भी हॉस्टल में। कौन से कॉलेज के हॉस्टल में? कॉलेज ऑफ लव एंड रोमांस। बड़े हंसमुख हैं आप। न जाने क्यों कल रात आपकी आवाज बार बार मेरे दिमाग में घुसती रही। घर कहाँ है आपका? किसी के दिल में तो होगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरी फ्रेंड्स मेरी राह देख रही होंगी। कौन चाहेगा कि उसका स्वर्ग वीरान हो जाए? स्वर्ग? कौन सा स्वर्ग? मेरे लिए तो यही जगह स्वर्ग है। अब सरा चली गई तो स्वर्ग में क्या रह जाएगा? अरे, बातचीत बंद हो गई, इस चुपचाप का क्या मतलब है? ओ तानसेन, चंचू से मुलाकात की। यार शाहजहां के जैसा फूल ही सुलता जाएगा क्या? ताजमहल बनाने कह रहा था? अरे गधे, जानता है ये फूल कहाँ से आया? कहाँ से? चंचल के बालों से। चंचल के बालों में फूल भी उगने लगे? अच्छा सुन, उसने तुझे अपनी जबान से डार्लिंग कह के पुकारा? अरे जबान तो झूठ भी बोल सकती है, लेकिन जब किसी ने प्यार लिया तब दिल की बात आंखों में आ जाती, आंखों ही आंखों में सवाल जवाब हुए। वाह वाह वाह, क्या सवाल जवाब का हिसाब है। तू अपनी महबूबा से आंख मिला रहा था किसी मुनीम से? अबे मजाक छोड़ना, यहाँ बैठ, इधर बैठ। बोल, एक बात, तू चंचल के साथ कॉलेज में पढ़ता था? कॉलेज में उसका चाल चलन कैसा था? चलन तो ठहरा थे और चाल मछली जैसी। अरे मैं खामखा उसके खबरदार, अब मैं चंचल का नाम किसी दूसरे नाम के साथ नहीं सुन सकता। तो ठीक है प्यारे, आज से तुम राम और मैं हनुमान। लेकिन राम? बोलो हनुमान। खिचड़ी तो तुमने पका ली, अब लक्षण का बगार देख और खा भी लू। लेकिन कैसे? एक आइडिया मेरे दिमाग में घूम रहा। कौन सा आइडिया? तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूरा करने का। मैं आज ही जाऊंगा। हाँ? अबे कहाँ जा रहा है? अरे यार सुन, तू प्यार का बाजा बजा और मैं नारद मुनि का रोल अदा करता हूँ। नारायण नारायण नारायण। एक्सक्यूज मी, आप जमींदार उमा शंकर जी साहब? आप यहाँ कैसे चले आए? आप कौन है? मैं प्रोफेसर अल्फांसो हूँ, बम्बई आर्ट्स कॉलेज से आया। जहाँ हमारी बेटी पढ़ रही है। चल exactly. आइए 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 आइए, बैठिए, कुछ दूध लगती है, चाय कॉफी। बैठिए बैठिए। कैसी हमारी बेटी? ठीक। आजकल आजकल वो हमें चिट्ठी नहीं लिख रही है, बात क्या है? उसे फुर्सत नहीं मिलती होगी। आप उसे चिट्ठी लिखते हैं? जी हाँ। बड़ा जमीन आसमान का फर्क है बाप और बेटी। आप सुबह मंदिर जाते हैं? रोज सुबह अभी जा रहे थे हम। वो भी हर रोज रात को नाइट क्लब में जाती है। नाइट क्लब? हाँ, जिस तरह आप हर रोज मंदिर की घंटियां बजाते हैं, वो पांव के घुंघरू बजाती है। वो रस्सी का झूला नहीं झूल, वो एक जवान लड़के की बाहों में झूला झूल रही। प्रोफेसर
हम आपके गर्दन मरोड़ कर रख देंगे। आपकी ये जरूरत हमारी बेटी के बारे में ऐसा कहे, जमींदार उमा शंकर की बेटी। आप बच्चे की तरह रो क्यों रहे हैं? जमींदार साहब, इसी रोने से मैं आपको बचाना चाहता हूँ। हमें बचाना चाहते हैं? मेरी भी एक जवान बेटी है। तो क्या वो एक जवान लड़के से इश्क करती है? मैंने हजार बार उसे रोकने की कोशिश, मगर वो यही कहती रही कि मैं अगर शादी करूंगी तो उसी लड़के। मैंने इनकार कर दिया तो मेरी बेटी ने कैसी आपकी बेटी ने वो घर छोड़कर भाग। मैं उसी आग में जल रहा हूँ और ये नहीं चाहता कि आप भी उस आग में जले। एक बाप की ऐसी मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। आप परेशान ना होइए, ठंडे दिल से सोचिए, फिर जो जी में आया वो कीजिए। मैं चलता हूँ। जय जय। बेटा सागर, हमारी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था जो बेटी को बंबई भेज दिया। लेकिन हुआ क्या? किसी लड़के की बाहों में झूला झूल रही है। मैंने आपको पहले पिताजी कहा था कि उसे बंबई मत भेजिए, लेकिन आपने मुझे हमेशा बेवकूफ समझा। तुम हमारे साथ तो बहस मत करो, हम जो कहते वो करो। क्या करूं? टेलीग्राम दे दो कि लड़की फौरन ही वापस चली जाए। दे देता हूं। हां ऐसा बोलो, दे देता हूं। हां चंचल, आज उसने हाथ वास्ता पकड़ा होगा। अरे उसने नहीं पकड़ा होगा तो इसने पकड़ लिया। तुम आपस में कैसे लगा रही हो, जरा इससे भी पूछो ना। क्यों चंचल रानी? ओह, वो गौर से मेरी जान के पीछे न पड़ो। जब चांद निकलेगा सारी दुनिया देखेगी। चलो भाई चले, शायद जल्दी सोकर उसके ख्वाब देखने जाती है।
होता है, हमें औलादी बुखार हो गया है। सोचा था एक बेटा है एक बेटी है, कितना सुखी संसार है हमारा। ऐसा क्यों कहते हैं डैडी? चंचल तो हमारी बजाय किसी और के घर जन्म लेती तो जिंदगी भर हम तेरा उपकार मानते। कैसी बातें कर रहे हैं डैडी, जरूर आपके किसी ने कान भर दिए होंगे। आ गई हमारे खानदान का नाम रोशन करने वाली। चंचल तुम्हें पिताजी ने बम्बई किस लिए भेजा था? भैया तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हें बम्बई पढ़ने के लिए भेजा था कि हमारी नाक काटने के लिए? बोलो भैया, नाक तो तुम्हारे चेहरे पे लगी हुई है। आप सब लोग मेरे खिलाफ क्यों भरे बैठे हैं? क्या किया है मैंने? पूछती है क्या किया है? क्लबों में डांस, एरो गैरो से आंख मटकता। चुप रहो भैया, भाई बहन की इज्जत पर पर्दा डालने के लिए होता, उसका नाम बदनाम करने के लिए नहीं। तू बात अपने भाई पर कीचड़ क्यों उछाल रही है? कसूर तो तेरा अपना है। आज तक हमने तेरी हर ख्वाहिश हर जिद पूरी की है, लेकिन उसका फल क्या मिला? तू खानदान की मर्यादा लोकलाज सब कुछ भूल कर न जाने किसके साथ खुल्लम खुल्ला रंग रलियां मनाती फिर रही है। शायद आपको अपने खून पर भरोसा नहीं रहा। मैंने अपने आप को हर कदम पर संभाल कर रखा है। जिस नौजवान के बारे में आपने सुना है वो कोई मामूली आदमी नहीं, पढ़ा लिखा बड़े घर का लड़का है। हम क्या, वो हमारे सारे गाँव को खरीद सकता है। अगर मैंने उसे अपने लिए सोच लिया है तो कोई पाप नहीं किया। बेटी अगर ये बात थी तो ये खबर हमें गैरों से क्यों मिली? तूने खुद चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? चिट्ठी नहीं लिखी तो आपने मेरी जबानी तो सुन लिया। मेरी बात आपके समझ में आ गई हो तो आप मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं, वरना आपके किस्मत में दामाद नहीं लिखा, मैं उम्र भर कुंवारी रहूंगी। चंचल की जिद आप भी जानते हैं, ठंडे दिल से सोच विचार कीजिए वरना लड़की कुछ कर बैठेगी। बहू राजकुमार साहब यही रहते? रहते तो वो यही, लेकिन इस समय आप उनसे नहीं मिलते क्योंकि उन्हें उमा शंकर आप जुगनीपुर का इंतजार। माफ कीजिए, हम पूछ सकते हैं आप कौन हैं? हम उनके सेक्रेटरी हैं जवाब। और हम ही हैं उमा शंकर जुगनीपुर के। क्या कहा आप? आप ही हैं? व्हाट ए पिटी, पहले आपने क्यों नहीं कहा? बस बस देखिए चंचल के पिताजी आए। ये हमारे राजकुमार। तुम्हें बैठो बेटा, बैठो। माफ कीजिएगा उमा शंकर जी, मेरा ख्याल है आप ये पता करने आए कि राजकुमार कौन है और इनकी माली हालत कैसी। सिर्फ यही नहीं, हम खुद इनसे मिलना चाहते थे। बेटा तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, फिर भी एक पिता का कर्तव्य है कि अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में देने से पहले उसके घर बार के बारे में कुछ जानकारी कर ले। जी मैम जी, जी आप ही इन्हें बता दीजिए। अवश्य उमा शंकर जी, आप इतनी दूर से चलकर आ रहे, अब बता रहे सेक्रेटरी के, मैं आपको कुछ बता दूं। कुमार साहब के माता पिता बड़े नेक इंसान, इसलिए इस दुनिया से जल्द ही चल बसे। अच्छा आदमी दुनिया में रहता था। अब देखिए ना, पंडित जवाहरलाल ने, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये सब कहाँ है? कंट्री का क्या होगा? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कुमार साहब। हाँ, कुमार साहब बड़े रईस आदमी, करीब 10-15 लाख रुपया वाइट का बैंक में पड़ा है। जम्मू जलंधर में चाय के गार्डन है, बंगला। धन दौलत की माफ करना बेटा, हमारे पास भी कोई कमी नहीं है। बेटी के लिए अच्छा वर मिल गया, इससे बड़ी दौलत हमें क्या चाहिए? फिर भी हमें बड़ी खुशी होगी अगर तुम दोनों हमारे गाँव आकर हमारा रहन सहन भी देख लो। कब आ सकते? हाँ
कब जा सकते? परसों मकान वही फर्नीचर जैसा था वैसे ही। क्या आपने ये मकान पहले भी देख रखा है? नहीं बेटा, हिंदुस्तान के बड़े बड़े जमींदारों के मकान ऐसे ही होते हैं। मजा आ गया, यानी मकान बड़ा अच्छा है। ये तो जरूरत भी चुका है। आपने कुछ कहा? हम कह रहे थे कि हमारा बड़ा लड़का है सागर, और छोटा कहा? छोटा नहीं, यही हमारे एक ही लड़का। तो फिर बड़ा छोटा बोले ही क्या जरूरत थी? हाँ, बड़े बेटा, ये चूड़ीदार पजामा कहाँ से बना? जी ये चूड़ीदार पजामा, ये हमारी गली के कोने में एक टेलर है शंभुनाथ। टेलर ने नहीं, किसी मोची ने सिला होगा। तुम्हारे मुनीम जी कुछ रसीली तबियत है? सैयामोरे रसीले मोरे सैया। बम्बई से यहाँ तक मोटर ही में आए ना? घाघरा तक हवाई जहाज में आए, उसके बाद में मोटर में आए। आपको तकलीफ तो नहीं हुई? गांव की सड़कों की हालत बहुत खस्ता है। गांव के लोगों की हालत उससे भी ज्यादा खस्ता। यही तो हमारे हिंदुस्तान के देहातियों की बदनसीबी है। तो गरीब और उनका खून चूसने वाला ये कमीर। मुनीम जी। हाँ जी। इज इट नॉट अ मैटर ऑफ पिटी? इट इज पिटी, बट इट वुड बी चेंज सून। आओ बहू, हमारी बहू सागर की धर्मपत्नी। आपकी बहू मिजाज की बड़ी गरीब लगती है, कहीं गरीब घराने की तो नहीं? अब वही सुहागन जो पिया मन भाए। खाओ बेटा फल खाओ। ना 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 ना, ना उमा शंकर जी, कुमार साहब को उस फल का नाम सुनते ही जुकाम हो जाता है। अगर ये खा लेंगे तो निमोनिया हो जाएगा। ये तो सैंडविच ही है, सिर्फ सैंडविच खाते हैं। बहुत जल्द आपका भी सैंडविच बनाएंगे। सैंडविच? सैंडविच जो डबल पाव रोटी के बीच में हो, अंग्रेजी खाना। सर, अब काम की बात करें राजकुमार, हम समझते हैं कि इसी हफ्ते अगर शादी तो 4 दिन की होगी। बेटी का बोझ तो गले से उतारना ऐसा होता है जैसे गंगा स्नान लेना। ठीक है, लेकिन फिर भी राजकुमार को अपने रिश्तेदारों को खबर करनी होगी। माँ बाप न सही, भाई बहन दोस्त चचा चची और भी। क्या हुआ? से कोई बात हो गई? आपने मुझे मेरी बहन की याद दिला दी। यानी मेरा इस दुनिया में कोई एक बहन थी जिसे मेरे शादी के कितने अरमान थे। और एक बरस हुआ। माफ करना बेटा, हमने तुम्हारी दुख की रग छेड़ दी। कुमार का खेतों की ताजा हवा खा ली आपका जी मेरे। जवाहिराज बड़े चिकर के लगते हैं ना? हाँ। सॉरी डार्लिंग, दरअसल मैं एक अमेरिकन मैगजीन के लिए कहानियां लिखता हूँ।
देहातियों की कहानियां। ये कहानी अधूरी पड़ी थी, सोच आज फुर्सत है, पूरी कर डालो। अटल, प्यार की कहानी अधूरी छोड़कर ये मैगजीन के लिए कहानियां क्या लिखना? तुम मुझे मिल गई, प्यार की कहानी तो पूरी हो गई। लेकिन तुम रुठी हुई क्यों हो? अभी रात बहुत बाकी है। चलो ना, देश के फूल भी मुरझा रहे हैं। चलो, तुम्हारे माथे की शिकन दूर कर दो। क्या कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? तुमने तो धक्का मारा मेरे को। क्या देख रहा था? मैं कुछ नहीं देख रहा था। कुछ नहीं बताता हूँ, मैं ये देख रहा था कि इस गांव खेड़े में ये झांसी की रानी कहाँ से चली आई। हाँ, क्या चीज है, क्या हाथ है और क्या मसल है। अगर फ्रंट पर सीना तान के खड़ी हो जाए तो दुश्मन लोग अपने तोप की नली बाजू में पलटे थे। इससे पहले मैं तेरी नली तोड़े देता हूँ। तुम्हारे ससुराल में ये आदमी मेरी पिटाई कर रहा है। जमींदार साहब के दामाद और हमारे घर में। सराय बाबू, ये नादिदा कौन है? ये मेरा सेक्रेटरी है। और ये भी हमारा मेहमान हुआ। अब मुझसे गलती हुई, एक हाथ कर दिया था। अरे पहलवान, तुम हाथ बोलते हो उसको, वो तो हथौड़ा था। हथौड़ा मुझे क्षमा करो, मेरी गलती हो गई भैया। जा कुछ खाने पीने पे ले आ जमाई बाबू। दूध पियो भी, बस गुरु का आशीर्वाद ही। लीला के लिए कोई लड़का देखा या नहीं? जवाई बाबू, आप मेरी बेटी का नाम कैसे जानते हैं? जी मैं आपके सारे घर को जानता हूँ। सारे घर को? जी हाँ, मैं उस घर को कैसे भूल सकता हूँ जहाँ मैं बच्चे से जवान हूँ। जवाई बाबू, ये क्या कर रहे हैं यहाँ? गुरु जी, क्या अभी तक आपके पाँव को ये हाथ जाने पहचाने नहीं लगे? राजा, ये सब कैसे हुआ? ये एक लंबी दास्तां है गुरु, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। ये मैं लस्सी लेकर आई और जवाई बाबू चले गए। लीजिए लस्सी। आपका नाम क्या है? लीला। लीला चंदलवरकर? जी नहीं, सिर्फ लीला। आप एक काम करिए, आप मेरे को अपना चेला बना दीजिए और मेरे को सिखाइए ये डन बैठक कैसे मारते हैं। अच्छा, सोचूंगी। गरम गोली है। अभी कहानी पूरी नहीं हुई, क्लाइमेक्स बाकी है। जितनी लिखी है मुझे सुनाओ। समझ लो, ऐसा ही कोई गांव था। उस गांव में एक लड़की भी मेरी जैसी होनी चाहिए। करेक्ट। तुम्हारे जैसे एक नौजवान भी। और भी करेक्ट। फर्ज कर लिया उसका नाम राजा था। और देख रही हूँ। जाग रही हूँ। इस गांव में इस नाम का एक नौजवान था। शायद किसी भुले हुए जख्म का पता याद आ रहा है। तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ था? दिल में? मैं तो उसकी सूरत से दूर भागती थी। तो शायद उसका दिल तुम्हारे लिए धड़कता होगा। ये बात भी नहीं। तो क्या तुम दोनों का जन्म जन्म का बैर था? हाँ, बड़ा लड़ाका लड़का था। बात बात नहीं उलझता, मिजाज भी गर्म और खून भी गर्म। जरा मेरी कहानी के हीरो का खून ठंडा था, लेकिन अमीरी के जुल्म सितम की आंच उसके खून को गर्म कर देती थी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। मानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं कातिल हूँ, लेकिन हे विद्या, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे क्षमा कर दो। विद्या विद्या, मुझे क्षमा कर दो। मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। मैं गोली चला दूंगा, मैं गोली चला दूंगा। क्या बात है दादी? तुम लोग क्या कर रहे हो?
आप नींद में जोर जोर से चिल्ला रहे थे। चिल्ला रहे थे? कोई बुरा सपना देख लिया होगा बेटे। तुम लोग कौन? जा जा तो तकलीफ करो, जा सो जा आराम से। ये विजय कौन है? ये क्यों पूछ रहे? अभी भी आप नींद में विजय विजय कह रहे थे। नहीं नहीं तुम गलत सुना बेटा, तुमने कहा भगवान दया 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 कहा था, तुमने गलत सुना। जा सो जा। हिम्मत तो क्या, सब टूट गया, पसीना छूट गया और मैं टूट गया। अरे मत बनो मत, उठाओ टांग। मेरी है तुम्हारी? क्यों ऐसा करो ना मेरा, तुमने तो मुझे पीला कर दिया। अगर मुझे ये मालूम होता कि मेरा रिश्ता किसी पहलवान की लड़की के साथ होने वाला था तो मैं बचपन से सरसों के तेल की मालिश करता था। पसीना हो गया बस, आगे और पीछे लेकिन एक नए भेद का पता चला। वो ससुरा जमींदार नींद में बड़बड़ा रहा था, कह रहा था मारो छोड़ दो मुझे, क्षमा कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं तुम्हारा कातिल हूँ विद्या। मुझे तो ऐसा लगता है मेरी दीदी की मौत में जरूर जमींदार का हाथ है, बतरंगी इस भेद का पता लगाना ही होगा। कहाँ तुम विद्या? तुम अभी जिंदा हो? मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं मानता हूँ मैंने मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैंने जबरदस्ती तुम्हारी इज्जत लूट ली, लेकिन लेकिन तुम मुझे जो प्रायश्चित करने के लिए कहोगे मैं करने के लिए तैयार, मुझे मारो मत। राजकुमार तुम ये क्या बदतमीजी? मेरा मतलब है मुझे तुम इससे डरा क्यों रहे हो? अभी मालूम मुझे। चंचल, चंचल को क्यों बुला रहे हो तुम? चंचल बच्चों को क्यों बुला रहे हो यहाँ? देखो बच्चों के सामने मेरी पगड़ी मत उछालो। अरे उम्र का तो ख्याल रखो। इन दोनों के सामने कबूल करो अभी। क्या बात है पिताजी, आप इतने घबराए क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, इन दोनों के सामने साफ साफ सब कुछ क्यों नहीं बता देते आप? राजकुमार को गलत फहमी है कि आप ही बताइए ना डैडी से इस तरह उलझने का कारण क्या है? हाँ चंचल, ये शुभ समाचार सबसे पहले तुम्हें सुनाना पड़ेगा। तुम्हारे घर में एक भूत रहता है, एक विधवा का भूत, विद्या का भूत, जो तुम्हारे डैडी की वासना का शिकार होकर अपनी जान दे बैठी, भूत बन बैठी। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारे धर्मात्मा पिता श्री उमाशंकर किसी गरीब का घर जलाकर राख करती है, और जब वो गरीब विधवा अपनी फरियाद लेकर तुम्हारे डैडी के पास गई तो तुम्हारे डैडी ने उस गरीब की इज्जत की चादर पर वो दाग लगा दिया कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रही, और उसने अपनी जान दे दी। चंचल ये कोई मन घड़त कहानी नहीं, पाप की ये कथा। मैं अभी अभी तुम्हारे डैडी की जबानी सुन चुका हूँ। सच क्या है और झूठ क्या है कौन जानता है? जो कहानी लोगों को याद नहीं रही तुम उसे क्यों याद दिला रहे हो? तुम क्यों लाल पीले हो रहे हो? हमें तो शर्म के मारे सर नहीं उठाना चाहिए। हमारे वो डैडी जो दूसरों के गुनाहों का फैसला करते आए, उनके अपने माथे पर दाग लगा हुआ है। चंचल भैया ये मत भूलो कि एक बार इस गांव के किसी आवारा आदमी ने एक बाल विधवा को छेड़ा था तो डैडी उसे दरक से बनवा कर तुमसे कोड़े लगवाना चाहते थे। चंचल बेटा सागर, मैंने कहा ना बेटा राजकुमार तुम्हें गलत फहमी है, कीड़े मकोड़े की बात करके हम अपने घर की सुख शांति में आग क्यों लगाए? तुम क्या जानो विद्या कौन थी, इस गांव की कलाजत थी। अगर विद्या इस गांव की कलाजत थी तो आप सारे जहां का कूड़ा करकट है।
तुम विद्या के लिए एक बहन को भाई से ज्यादा कौन जान सकता है भाई। हाँ चंचल, मैं ही हूँ विद्या का भाई राजा। राजा? राजा तो मर चुका था ना? नहीं धर्मात्मा जी नहीं, अभी वो एक शैतान की जान लेने के लिए जिंदा है। चंचल किस सोच में डूबी? मैं वही हूँ। एक दिन तूने मेरी हंसी उड़ाई, लेकिन आज तकदीर तेरा मजाक उड़ाई। तेरे पिता ने मेरी दीदी को मुझसे छीन लिया, लेकिन आज मैं तेरे पिता से संतान का सुख, खानदान की इज्जत और मान मर्यादा को छीन कर लिए जा रहा हूँ। मैं सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगा कि जो उमा शंकर भगवान शंकर की पूजा पर भी अपना अधिकार पहले समझता था, कि कर्म ऐसे है कोई शैतान उसे अपने पास न बिठा। तुम साई की तरह मेरा पीछा क्यों कर रही? तो क्या आपके बगैर यहाँ रहकर जीते जी मर जाओ? मेरे दुश्मन की बेटी जिए या मरे, मुझे इससे क्या वास्ता? लेकिन आप मेरी मांग में सिंदूर भर चुके हैं और मैं आपकी, यहाँ आपके चरण है वही मेरी दुनिया है। आपकी दुश्मनी डैडी से मुझसे नहीं। चंचल, मुझसे ये आशा मत रख। मैं पौधे से बैर रखूं और उसके फूल पत्तों को प्यार करूं। मैं आपका दर्द समझती हूँ, आपके दिल की तड़प जानती हूँ, लेकिन मेरा भी क्या दोष है? भगवान के लिए मेरा त्याग न कीजिए। चंचल, अगर तेरे पिता के खून से मैं अपने हाथ रंग लेता तो जिंदगी भर तेरा साथ देता, लेकिन इसे छोड़ना ही है तो मेरे खून से आप अपने हाथ रख लीजिए, मेरा गला घोट दीजिए। अफसोस तो ये है, इस गुनाह की ताकत मुझ में नहीं। चंचल, गला घोटने और खून पीने का ठेका तुम्हारे खानदान ने ले रखा, तुम्हारे घर की मिल्कियत, तुम ही लोगों को मुबारक हो। देखा, अपना अपना ही होता है, दुश्मन दुश्मन। अब बोलो। दुश्मन तो मेरी किस्मत है भैया, जिसने मुझे कैसे घर में पैदा किया जहाँ कोई इंसान नहीं। चंचल, और उसी किस्मत ने मेरे जीवन की डोर एक ऐसे आदमी के हाथ में दी जो सचमुच इंसान था, लेकिन उसकी इंसानियत को इंतकाम की आग ने जला कर रख दिया। बड़ों के पाप की सजा औलाद को ही भुगतने पड़ती है, और अब मैं उस सजा को आखिरी सांस तक इसी कमरे में सजा देने तक भुगतूंगी।
ना आजा जा जा आजा मेरी जान ये है जून का महीना आजा मेरी जान ये है जून का अबे मेरी भोली भाली लड़की को अपने प्यार के चक्कर में फंसा रहे थे मैं तो आपकी बेटी से शादी करवाना चाहूँ शादी से पहले मैं तुम्हें बहादुर बनाना चाहता हूँ और अपना जैसा पहलवान भी अरे मंजूर है लेकिन पहले निकालो भाभी क्या कहा है डॉक्टर ने ये आने वाले मेहमान की खबर दी सच हाँ सच भाभी हाँ ऐसा भी क्या एक पल तेरी आंखों में माँ बनने की खुशी झलकी और दूसरे पल गायब हो गई उनका ख्याल आ गया जिनकी परछाई मेरे शरीर में छुपी है भाभी माँ बनने की खुशी किसे नहीं होती लेकिन दुख दर्द के इन तपते हुए महीनों में पति के प्यार की छाया का आश्रय भी तो होता है लेकिन मेरी वो छाया कहाँ है मेरे हाथ में कहाँ है सबका आश्रय भगवान होता है छोटी तसल्ली ना दो भाभी माँ बनने की खुशी मुझे तब होती जब वो मेरे पास होते मेरे साथ साथ उस दिन का इंतजार करती जिस दिन हम दोनों का सपना सच होगा हमारे आंगन में खेलता घबरा नहीं राजा कहीं गया नहीं इसी गांव में है तुम यहाँ क्यों आई किसने बुलाया है तुम्हें ये आप कह रहे हैं हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ ये जाने किस्मत हमसे क्या मजाक कर रही है कि पहले हम एक दूसरे से नफरत करें फिर प्यार करें फिर हमेशा के लिए एक बंधन में बांधे जाए और उसके बाद भी दूर दूर अपने अपने हाथ में जलते रहे मुझे अपने आंसुओं से पुरसुर कहा जो मैं तुम्हारे आंसू दे जा। चली जाओ यहाँ से देखिए सुन तो बेटी माफ करना ससुर जी मैंने जोश में आती पगड़ी उछाल दी अरे कोई बात नहीं मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था क्या क्या बात है तुमने नहीं सुना चंचल के घर लड़का पैदा हुआ है चंचल के घर लड़का हुआ है मैं ये खुशखबरी जाकर राजा को सुनाता हूँ नहीं नहीं ये खुशखबरी मैं सुनाऊंगा नहीं नहीं पहले मैं सुनाऊंगा सुनो मैं सुनाऊंगा सुनिए पहले आप ही सुनाइए लेकिन पहले चाय तो पीजिए बेटे मेरे पिताजी को चाय पिलाओ पीजिए आप चाय पीजिए मैं जाके आता हूँ उल्लू बना गया उल्लू मेरा बेटा समझा उसी के आंसू है तुमने मेरा मुंह गुड़ से मीठा कर दिया बाप बनने की खुशखबरी सुनाकर मेरे कानों में अमृत घोल दिया लेकिन मेरी जिंदगी में जो जहर घुल चुका है उसे कोई मिठास कोई खुशखबरी दूर नहीं कर सकती यार किस मिट्टी के बने हुए हो तुम देखो औलाद की खुशखबरी सुनकर इंसान तो इंसान जानवर तक झूमने लगते हैं जैसे मैं झूम रहा हूँ पतरंगी जिस आदमी के दिल में इंतकाम की आग लगती हो वो आदमी जानवर से भी बदतर राजो मेरी बात सुन प्यारे ये नफरत दुश्मनी इंतकाम ये सब वक्त की बात है मैं जानता हूँ तू एक नेक दिल इंसान तेरा दिल मोम एक दिन अपने आप पिघल जाए खबर कर मेरे दोस्त खबर कर दीदी देखो ना मुन्ना बिल्कुल बाप पे गया है वही नाक वही माथा वही ठुड्डी अरे क्यों बार बार राजा का जिक्र करती है देखा नहीं चंचल उसका नाम सुनकर रो पड़ी थी जा जाना अच्छा अरे अजीब बात है जब नन्ना रोता है तो उसका मुंह बिल्कुल ऐसे ही बन जाता है आंखें क्या झपका रहे हो मैं तो छोटे राजा की बात कर रही हूँ अरे
इतनी छोटी सी हंसी, वो भी बिल्कुल ऐसे ही हंसता है। क्यों मजाक करती हो? मैं मजाक नहीं कर रही, तुम खुद जाकर अपनी आंखों से देखो कि भगवान ने तुम्हें कितना प्यारा तोहफा दिया है। चांद सा मुखड़ा, प्यारी प्यारी आंखें, हंसता है तो फूल खिल उठते हैं। अगर उसे एक बार देख लोगे ना तो गुरूर के मारे सर ऊंचा हो जाएगा। ये तो बताओ, मुझे भूल जाने वाला दिल तुम्हारे पास कहां से आया? नहीं नहीं राजा, मेरे भैया, मैं तुझे भूली नहीं, लेकिन अपनी इज्जत की दौलत लुट जाने के बाद मैं कौन सा मुंह लेकर दुनिया वालों के सामने आती? उस राक्षस से अपने अपमान का बदला लेने के लिए मैंने क्या क्या नहीं सहा, कहां कहां सर छुपाया, किस किस के टुकड़ों पर पली, और आज आखिर मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। घबराओ मत, मेरे जीते जी कोई तुम्हारी तरफ उंगली नहीं उठा सकता। तुम यही ठहरो, मैं अभी आता हूं। तो कौन था? कोई भी होगा, तुम उस तरफ नहीं जा सकते, वरना ठीक नहीं होगा। हट जाओ राजा, आपके पास खून का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। हट जाओ। काला साया भागते हुए देखा? हाँ। राजा ने कहा था एक काले साये ने मालिक का खून किया है, मेरे ख्याल में ये वही काला साया होगा, बच्चे न जाने पाए। चलो जल्दी चलो, मेरे पीछे आओ, आओ जल्दी आओ।
काले साय का पीछा बेकार गया, वो सारा दरिया में कूद गया, सिर्फ ये चिट्ठी हाथ लगी है। उमाशंकर का खून मैंने किया है, मैं जिंदा थी, सिर्फ अपने अपमान का बदला लेने के लिए छुपी हुई थी, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं। आज मेरा प्रण पूरा हुआ। मेरे राजा भैया, मेरी आखिरी प्रार्थना है कि अब अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार दे। अब तेरा जीवन चंचल और अपनी संतान के लिए है, मेरी आत्मा सिर्फ उस वक्त चैन पाएगी जब मेरे भैया का जीवन सुख और शांति से गुजरेगा। राजा, राजा मैं तुम्हें गलत समझा था। अब दुख भरी जिंदगी को क्या याद करना, पुरानी बातों को भूल जाओ राजा। और अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं अपनी भूल के लिए शर्मिंदा हूँ, अब तो घर चलो। आशीर्वाद, आप दोनों 100 साल जियो, आपके 100-100 बच्चे। ये क्या पुरानी दुआएं आप दे रहे हैं? आजकल देश की कंडीशन देखकर तो यूं कहना चाहिए कि आप दोनों 100 साल जियो और आपकी कोई भी औलाद ना हो। तुम्हें तकलीफ ही नहीं।